22 जनवरी आ रही है। वैसे तो हर समय ये देश राममय रहा है और हम सब ये गाते हैं, सिया राममय सब जग जानी। राम हमारे अस्तित्व है, आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, हमारे भगवान हैं और राम भारत की पहचान है। राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। उनके बिना ये देश नहीं जाना जा सकता। और अब 22 जनवरी को सम्मानी प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में रामलला दिव्य और भव्य मंदिर में विराजेंगे। 22 जनवरी देश के लिए एक भावुक पल होगा, वो भावुक दिन होगा। और ऐसे में हम सबकी इच्छा है कि हम सब अयोध्या जाएं और उन पलों के साक्षी बने। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि उस दिन हम अयोध्या ना जाएं, भारी भीड़ होगी और वैसे में व्यवस्था बनी रहे इसलिए दर्शन बाद में करने जाए। मैंने तय किया है कि 22 जनवरी को मैं ओरछा में राम रजा के मंदिर में मैं राम धुन गाऊंगा, भगवान राम की पूजा अर्चना करूंगा और वहीं से उस पल का साक्षी बनूंगा जब भगवान श्री राम दिव्य और भव्य मंदिर में विराजेंगे। और शाम को फिर दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाएगा, निमंत्रण हमने भी दिए हैं। आइए, हम सौभाग्यशाली हैं कि अपनी आंखों के सामने राम लला अब मंदिर में विराजने वाले हैं। हम राममय हो जाएं और भगवान श्री राम के मंदिर में विराजित होने के साथ साथ रामराज का प्रारंभ भी हो गया है। हम उत्साह से इस दिन भारत के विश्व गुरु बनने की कामना भी करें। सर, जो बेटी मुंबई से